नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के जाफराबाद और चांदबाग में एक और शाहीन बाग खड़ा हो गया है, जहां भारी संख्या में प्रदर्शनकारी महिलाओं ने रोड नंबर 66 को जाम कर दिया है। जिस सड़क पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, वह सड़क सीलमपुर को मौजपुर और यमुना विहार से जोड़ती है। चांदबाग रोड बंद होने की वजह से दिक्कत ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये रोड सिग्नेचर ब्रिज की ओर जाती है। जाफराबाद और चांदबाग में जब भारी संख्या में महिलाएं जुटी, तो इस कानून के समर्थन में भाजपा नेता कपिल मिश्रा की अगुवाई में मौजपुर चौराहे पर CAA के समर्थन में लोग जमा हो गए। कबीरनगर मेट्रो स्टेशन के पास CAA के समर्थक और विरोधियों के बीच पथराव भी हुआ है। दोनों पक्षों के बीच टकराव के चलते DMRC ने मौजपुर और बाबरपुर मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। हम आपको दो वीडियो दिखा रहे हैं। पहला वीडियो उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग इलाके का है, जहां वजीराबाद से गाजियाबाद की तरफ जाने वाली सड़क पर महिलाएं और बच्चे CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको रास्ता दे दो जाने के लिए। दूसरा वीडियो उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके का है, जहां CAA के विरोध में भारी संख्या में महिलाएं जुटी। दोनों ही वीडियो में महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कपिल मिश्रा ने लोगों को भड़काना शुरू किया और मौजपुर चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया कि अगर 3 दिन के भीतर जाफराबाद और चांदबाग की सड़कें नहीं खुलवाई गई तो वह किसी की भी नहीं सुनेंगे। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। इस दौरान लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी गुस्सा उतार रहे थे। आपके पोस्टर को उखाड़ उखाड़ के फेंका जा रहा था, जिसे आप इस वीडियो में बखूबी देख सकते हैं। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के बीच दिल्ली में हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हैं। इस तनाव के पीछे भाजपा नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शायद ट्रंप के स्वागत में जुटे होंगे, लेकिन राजधानी दिल्ली में उनके ही नेता आग में घी डालकर देश की हवा खराब कर रहे हैं। सत्ता विमर्श के लिए किरण राय की रिपोर्ट।